जी, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, यानी कि एक अच्छे पासवर्ड में क्या क्या क्वालिटीज या खसूसियात होनी चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस, यानी कि एक अच्छा पासवर्ड सिंपल नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा उसको जो है वो गेस कर सके, ठीक है, और क्रैक कर सके। क्रैक का मतलब होता है उसको मतलब के चेंज कर लेना, उसको तोड़ देना, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट, पासवर्ड करता क्या है, हमें बचाता है अनऑथराइज पीपल, यानी कि गैर मुतालका लोगों से फ्रॉम एक्सेसिंग आर फाइल्स, प्रोग्राम्स और अदर रिसोर्सेज, यानी हमारा नेट ना कोई भी यूज कर ले, हमारे प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ना घुस जाए, हमारी फाइल्स तस्वीरों को कोई ना छेड़ ले, ठीक है ना। सो अ गुड पासवर्ड, एक अच्छे पासवर्ड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो नीचे ये पांच पॉइंट्स दिए गए हैं। इज एटलीस्ट 8 characters लॉन्ग, कम से कम 8 characters उसके होने चाहिए, ठीक है। डजंट कंटेन योर यूजर नेम, रियल नेम, किड नेम और कंपनी नेम, यानी आपके बच्चों का नाम या आपकी कंपनी का नाम, आपका रियल नेम, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, वरना ऐसी चीजों को तो कोई भी जो है वो आइडिया लगा सकता है, आपका करीबी कोई जानने वाला, ठीक है ना। सो डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, एक पूरा वर्ड भी नहीं होना चाहिए, मुख्तलिफ उसके जो है वो कैरेक्टर्स होने चाहिए। इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड, और जो पहले पासवर्ड आप यूज कर चुके हैं उनसे भी ये हटके होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कंटेन्स अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, और इसमें बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी और लेटर्स और सिंबल्स, इस तरह की चीजें भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। तो यहां पर जो है ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ जो है अगला टॉपिक भी साथ में कंक्लूड कर लेते हैं आज ही, कर लें या रहने दें बताओ।